देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। राजनीति गर्म है में हम लेकर आए हैं आज देश की राजनीति में चल रही बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के पथरिया से बसपा विधायक रमाबाई अहिरवार के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। रमाबाई ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है तो उनका हाल भी कर्नाटक जैसा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के दो विधायक निर्वाचित हुए हैं और सरकार बनाते समय कांग्रेस ने वादा किया था कि हमें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करें क्योंकि मैं चाहती हूं कि यहां कर्नाटक जैसे हालात न बने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी बचाओ विज्ञापन चलाओ। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों के हवाले से दावा किया गया है कि मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को दो मुख्य मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन 4 साल बाद आंकड़ों से पता चलता है कि इसका मुख्य मकसद प्रचार करना था, क्योंकि इस योजना के तहत आवंटित धन में से 56% मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर खर्च किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 दिनों में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या से मध्य प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री ने कमलनाथ सरकार को कहा कि अपराधी कोई भी हो पकड़े जाने चाहिए। सीएम गृह मंत्री और पुलिस प्रशासन सुन ले, यदि 5 दिन में अपराधी नहीं पकड़े गए तो प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 1 फरवरी को बड़वानी कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय का घेराव करेंगे, मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्टअप स्टैंडअप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव राज्य में लोकतंत्र की बहाली के लिए होंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा कि नागरिकता विधेयक के पारित होने के बाद सभी बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के महागठबंधन का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है और व्यक्तिगत हितों को पूरा करना नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM से छेड़छाड़ का बयान देकर सनसनी फैलाने वाले साइबर हैकर सैयद सुजा के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने को कहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सुजा ने लंदन में EVM को लेकर दावे किए थे, जहां उसने 2014 के चुनाव नतीजों को लेकर सवाल उठाया था। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का श्रेय खुद लिया था। राजनीतिक बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए हमारा चैनल ग्रामीण न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।